तो हमने सब बहुत बार देखा कि जब भी बिगनर अपने स्टूडियो में इन्वेस्ट करने जाते हैं वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्टूडियो मॉनिटर्स में। तो आज हम बात करें क्यों स्टूडियो मॉनिटर में इन्वेस्ट करना आपकी एक बड़ी गलती हो सकती है। तो मोस्टली जितने भी बिगनर्स का हमें डीएम आता है, कमेंट आता है, उनका बजट ऑलमोस्ट 10,000 से लेकर 20,000 तक होता है और मार्केट में स्टूडियो मॉनिटर्स 40,000 से लेकर 50,000 से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे में वो क्या गलती करते हैं कि चीप स्टूडियो मॉनिटर में इन्वेस्ट कर लेते हैं और इससे उनको ये तो लगता है कि उनका होम स्टूडियो सेटअप रेडी हो चुका है, बट उन चीप स्टूडियो मॉनिटर्स का अच्छा आउटपुट नहीं होता और जिसके कारण जब वो मिक्सिंग करने बैठते हैं वो सोचते हैं मैं तो पूरा हार्डवर्क दे रहा हूँ, तो पूरी जान लगा रहा हूँ, फिर भी मेरे मिक्स अच्छे नहीं लग रहे। तो उसमें आपकी हार्डवर्क की गलती नहीं है, दिक्कत आपके इक्विपमेंट में है। तो गाइस सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हम जब भी स्टूडियो मॉनिटर लेते हैं हम कई बार बजट भी बढ़ा देते हैं। हम 50,000 के ले सकते हैं, हम 2,00,000 के स्टूडियो मॉनिटर ले सकते हैं, हम 4,00,000 10,00,000 के भी स्टूडियो मॉनिटर ले सकते हैं। बट अगर आप जिस रूम में उसको रख रहे हो और वो अकूस्टिकली ट्रीटेड नहीं है तो आपके स्टूडियो मॉनिटर लेना या ना लेना एक बराबर है। बिकॉज अगर आपके रूम में अकूस्टिक अच्छे नहीं होंगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जनरेट होती है और जहां पे आप बैठ के मिक्स कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपके मिक्स को और आपके रेफरेंस को और ज्यादा खराब कर सकती है। तो बात करते हैं इस चीज का क्या सॉल्यूशन है। तो इस चीज का सॉल्यूशन है हेडफोन्स। और अगर आपका बजट अभी 10 से लेके 40,000 तक भी है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपकी पहले सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके एक अच्छे मॉनिटरिंग हेडफोन्स। तो गाइज हम आपको हेडफोन्स इसलिए रिकमेंड करें क्योंकि जो स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, बट वहीं पे स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन्स 8,000 से 20,000 में स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी हमने जस्ट बात भी करी थी कि जो स्टूडियो मॉनिटर है उसके लिए काफी ज्यादा नेसेसरी होता है अकूस्टिक का, बट वहीं पे अगर आप एक अच्छे क्लोज बैक हेडफोन लेते हो तो आप किसी भी स्पेस में बैठ सकते हो और वहां पे आराम से प्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट कि आपके अकूस्टिक कैसे है वहां के। और गाइज जो हेडफोन्स होते हैं वो इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि आप उसको लेके कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो और कहीं पे भी बैठ के प्रोडक्शन या मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हो। तो गाइज ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप हेडफोन्स लेते हो उसमें क्या होता है, बिकॉज वो आपके कान के पास होते हैं बहुत ज्यादा, तो आपके लिए स्मॉल डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। स्पेशली अगर आप इक्यूइंग कर रहे हो तो आप सर्जिकल इक्यूइंग कर सकते हो, यानी कि आप उसमें छोटे छोटे कट्स लगा सकते हो। तो आपको हेडफोन्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही स्मॉल डिटेल्स को सुनने में। तो गाइस आप हेडफोन्स को रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हो क्योंकि अगर आप मॉनिटर्स को यूज करोगे तो आपको एक अलग से कंट्रोल रूम और एक रिकॉर्डिंग रूम को बनाने पड़ेगा, बट यहीं पे अगर आप एक हेडफोन्स को ऑन करते हो तो आप बहुत ही इजीली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो गाइज हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमने क्यों स्टूडियो मॉनिटर के खिलाफ बात करी और हेडफोन्स की इतनी तारीफ करी। स्टूडियो मॉनिटर एक बहुत ही तगड़ी चीज है अगर आप चाहते हो एक अच्छा स्टीरियो इमेज सुनना, अच्छे से रिवर्ब को सुनना या इवन एक और रेफरेंस आपको मिल सके। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब हम बिगनर होते हैं तो हमारे पास एक लिमिटेड कंस्ट्रेंट होता है, बजट कंस्ट्रेंट होता है कि आप इतने से ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो अगर आप अभी 10,000, 30,000, 40,000, 50,000 सोच रहे हो तो बेस्ट है आप एक अच्छे हेडफोन एक अच्छा इंटरफेस लो रादर देन अभी आप एक स्टूडियो मॉनिटर लो, बिकॉज आपके पास अभी ट्रीटमेंट के अगर पैसे नहीं होंगे, आपके से एक अच्छा रूम नहीं होगा, तो आप अभी उसका कोई फायदा नहीं उठा पाओगे। और गाइज अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन से हेडफोन्स लेने चाहिए तो ये वाली वीडियो आ रही होगी, जाके उसको चेक करो। और इसी के साथ एक और चीज करनी होती है, वो क्या है, वो है नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको ठोक के फटाफट से ग्रे कर दो। तो गाइज जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और इसी के साथ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या मिक्सिंग मास्टरिंग करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट आ रही होगी basevilla.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।